वेदर तो आज काफी बेहतरीन है, आप लोग दे सकते हैं वेदर एक नंबर का है। और अभी जो हमारी ट्रिप है वो काफी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रोड होगी, वन ऑफ द बेस्ट हाईवे इन इंडिया होगी, सबसे बड़ा हाईवे है वो, और जो कि स्टार्ट भी हो चुका है, थोड़ा बहुत चल के देखते हैं जो भी चीजें होंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो में बने रहें और सारी डिटेल आप लोगों को मिलने वाली इस वीडियो में। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधे हाईवे पर। देख सकते हैं सारी चीजें रेडी हो चुकी है, अपना मोटो ब्लॉग का सेटअप भी सब कुछ डन डना डन हो चुका है, और हमारे साथ लालू भाई भी निकलेंगे अपने साथ जो ट्रिप पर, वो एंजॉय करने वाले हैं। चले हम तो चलो चलो भाई चलते हैं। तो भैया सुल्तानपुर सिटी से सीधे पहुंच रहे हैं अभी हम टाटिया नगर चौराहा, जो कि काफ़ी फेमस चौराहा है सुल्तानपुर में जब आप एंट्री करते हो। तो ये आपको जो टाटिया नगर चौराहा है, यहाँ से फैजाबाद इलाहाबाद सीधे आप चले जाएंगे जौनपुर और शाहगंज आजमगढ़, इधर प्रयागराज जाता है, इधर अंदर सिटी से आ चुके हैं, और इधर सीधे चलेंगे तो फैजाबाद चलेगा बोले तो अयोध्या की तरफ, और इस तरफ ही अपना पड़ेगा वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इधर अयोध्या यहाँ से 62 किलोमीटर और फैजाबाद किलोमीटर, और जो अपनी दूरी है यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर है अप्रॉक्स, और वहाँ पर स्टार सिटी रेडी हो चुकी है। तो सुल्तानपुर सिटी से निकलने के बाद जो सबसे पहला जो हम लोग को चौराहा पड़ता है लगभग 10 से 15 किलोमीटर पे, वो है कटका खानपुर का चौराहा। इसके बाद फिर गुप्तारगंज आफ्टर डैट हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ रुख करेंगे, कटका खानपुर से निकलते हैं फिर मिलते हैं। यस यस, तो इधर देख सकते हैं इधर टांडा और अम्बेडकर नगर, इधर से भी आप जा सकते हैं सीधे देख सकते हैं इधर, और जो आगे आप लोग वहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो भी आपको अकबरपुर में मिलेगा बोले तो आप इधर से भी जा सकते हो, उधर से भी आप जा सकते हो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो भैया यहाँ से है फैजाबाद 45, बीकापुर 25 और अयोध्या है 55, तो इधर से सब कुछ नज़दीक है, दर्शन हो जाएंगे श्री राम जी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया पहुँच तो गए हैं अपने हाईवे की तरफ, जो कि पूर्वांचल अपने सामने है ये वाला। अब यही देखना इधर चढ़ना किधर से है यार, इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट देखते हैं कुछ जुगाड़ सोचते हैं क्या करना है, कहाँ से एंट्री होगी इधर। मुझे लग रहा है इधर तो नहीं होगी यार, ये देख सकते हैं ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से कहाँ से एंट्री होगी, फैजाबाद से आते हैं तो मुझे लग रहा है ये लिंक रोड जा कर के वहाँ मिलेगी, और अगर आप सुल्तानपुर से आते हैं या फिर इलाहाबाद से आते हैं सीधे तो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। चलिए देखते हैं ये लिंक रोड जाती है कि नहीं जाती है, तो ये तो चलने के बाद ही पता चलेगा। तो आई थिंक ये जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि लोग भी जा रहे हैं। हम लोग को मिल चुका है, एंट्री हो चुकी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। लिंक रोड है, कच्चा है बट ठीक है, इट्स ओके, जो भी है। चलो भाई दिखाते हैं आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ओ भाई यहाँ रुकना तो बनता है भाई साहब। ये रूट चलने लगा है कि अभी चल गया। ये है अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसको देखने के बाद मुझे किसकी याद आ गई भाई, लखनऊ आगरा वाले की, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। हाँ यमुना एक्सप्रेस नहीं, वो अलग है, उसमें सीमेंटेड बना हुआ है। और ये देख सकते हैं हमारे पीछे अयोध्या सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी आ चुके हैं। इसका भी जो नेशनल हाईवे का नाम है वो भी इंटर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है ये। बाकी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप इंटरनेट पे डालेंगे, कहीं पे भी डालेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा, काफी बढ़िया है, बहुत ही मजेदार है। और हमारे सुल्तानपुर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर है, तो आप यहाँ पीछे से अभी हम लोग आए वहाँ पे वो देख सकते हैं उधर, तो काफी मजा आई। अब चलते हैं जर्नी एंजॉय करते हैं, और सब ये देखिए काम चल रहा है थोड़ा बहुत, ये देखिए ट्रक वगैरह आ रही है, बाकी लेन अभी आपको दिखाता हूँ मैं, काफी बढ़िया है। ये देखिए व्यू देखिए, और वेदर भी तो भाई एक नंबर का है। बता दें ये जो रोड है ये है, ये सीमेंटेड नहीं है, नॉर्मल वाली रोड है और यहाँ तरीके से बनाई गई है। ये देखिए पूरा व्यू।
तो गाइस देख सकते हैं अभी इस हाईवे पे हम लोग विजिट करें और काफी अभी एक्सप्लोर भी करना है, अभी बाइक राइड तो बची हुई है। बाकी इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि ये है 340.8 किलोमीटर पूरा लंबा है, ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट हाईवे है ये यूपी में, इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे होगा ये जब ये कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट तो ऐसे हो चुका है, 7% अप्रॉक्स, 3% बचा हुआ है। ये स्टार्ट ये लखनऊ से हुआ है, ये चांद सराय लखनऊ के पास से स्टार्ट है। 731 नेशनल हाईवे का नंबर है। अभी इसका नंबर बोले तो ऑफिशियली अभी इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट जहां से स्टार्ट है वो 731 है और जाता है ये गाजीपुर हैदरिया गांव के पास तक, जो कि नेशनल हाईवे 31 है। जिस लीजिए लखनऊ से गाजीपुर की जो दूरी होगी अपनी, मान चलिए 5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, जो कि पहले 8 घंटे हुआ करती थी। तो चलिए देखते हैं, अभी बाकी और चीजें बताऊंगा आगे आप लोगों को, बने रही वीडियो में। बाकी देखिए बढ़िया है। तो चलते हैं, जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अभी मोटो ब्लॉगिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना एक नंबर का बनाए हैं, और काम अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे साइड साइड में अभी भी काम चल रहा है। लेकिन जो रोड की जो क्वालिटी है, जो मटेरियल यूज़ किया है उन्होंने, एक नंबर लग रहा है देखने में। बट ये देख सकते हैं पूरा इधर काम अभी भी देखिए इधर पे यहाँ पे चल रहा है। आराम से अभी तक मान चलिए आधे ज़्यादा काम हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पूरे मटेरियल्स, तो अभी भी काम चल रहा है पूरे तरीके से। बाकी ये देखिए इधर जितने भी लिंक रोड हैं उनको तैयार किया जा रहा है। और ये देखिए सामने लखनऊ का जो यहाँ पे डिस्टिनेशन है 140 किलोमीटर है, और वो सामने एक पुल सा बना हुआ है, तो चलिए वहाँ पर भी एक बार हो करके आते हैं, दिखाते हैं आपको वो क्या बना रखे हैं, मतलब एकदम बढ़िया लग रहा है देखने में उधर। ये आ चुके हैं इधर, ये मुझे लग रहा है टोल प्लाजा यहाँ पे बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये टोल प्लाजा मुझे लग रहा है यहाँ बनाएंगे, क्योंकि उस तरीके से तैयार कर रहे हैं इसको, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ये। मतलब ये जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हाईवे भाई साहब, इसका जो एक्सपीरियंस है मुझे लग रहा है अभी तक का नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। इसको ये समझ लीजिए कि 1 2 3 1 2 3 बोले तो 6 लेन है ये। आपको बता दें लखनऊ से गाजीपुर में जो इसकी दूरी है 340 किलोमीटर, मैंने बताया आपको 340.8 किलोमीटर। इसके बीच में पड़ने वाले लगभग 9 जिले हैं। सबसे पहले तो आता है लखनऊ, बाराबंकी, उसके बाद फिर अमेठी, सुल्तानपुर, उसके बाद अंबेडकर नगर, उसके बाद अयोध्या, उसके बाद आजमगढ़, फिर मऊ, फिर गाजीपुर। यहाँ पर पूरे तैयारी से, मतलब यहाँ पे हमें लग रहा है पूरी तरीके से बना दिया है इन्होंने। और सबसे बढ़िया काम यह है कि यहाँ पे जो बैरिकेड लग गया है, ये लोहे का जो भी लगता है ये एज अ सिक्योरिटी, तो आप गाड़ी अगर आप चला रहे हो, चाहे आप 100 पे हो या 80 पे हो या 40 पे हो या 60 पे, किसी भी हो, तो कोई जानवर आगे नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी सिक्योर तरीके से ये सब चीज़ें की गई हैं। और देख सकते हैं वहाँ पर वो साइड में वो जो लगा हुआ है खंबे टाइप का दिख रहा है, तो ये हाईवे के अंदर है, इसके अंदर आप कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं, एज अ गवर्नमेंट है ये पूरा। हाईवे देख करके तो मज़ा आ गई, और ये जो व्यू है वो देखिए आप लोग कितना मज़ेदार है। ये देखिए मतलब ये जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा सुल्तानपुर, आपको जाना होगा तो आगे इसे घूम करके आप जा करके सुल्तानपुर जा सकते हैं, या फिर फैजाबाद जा सकते हैं, अयोध्या। चलते हैं उधर सीधे, और जहाँ एयरफोर्स का फाइटर जेट उतारने वाला है वहाँ पे चलते हैं, आपको वहाँ पे भी दिखाते हैं। तो ये हो चुका है अपना रनवे, जो कि फाइटर जेट के लिए देखिए पूरा तगड़ा वाला बना के रखा है इन्होंने, पूरा सीमेंटेड है भाई साहब, देख सकते हैं कितना चौड़ा है भाई साहब, फुल चौड़ा दिख रहा है ये देखिए पूरा व्यू। और हमें लग रहा है इधर भी अभी थोड़ा सा बना देंगे इधर, बाकी ये देखिए पूरा ये समथिंग 3 किलोमीटर है अभी,
तीन किलोमीटर तक ये बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये है वो रनवे जो कि 3 से 4 किलोमीटर है, जो इंडियन एयर फोर्स के ये स्पेशल तैयार किया गया। मान लीजिए फाइटर जेट या कोई भी इमरजेंसी लैंडिंग होती है, कोई भी लड़ाई या फिर मान लीजिए कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो यहाँ पे इंडियन एयर फोर्स के फाइटर जेट आराम से उतरते हैं, इसलिए बनाया गया। देख सकते हैं ये पूरा फुल टू सीमेंटेड है, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरा ये सीमेंटेड बनाया हुआ है इन्होंने और काफी सही है ये पूरा, कहीं पे भी डिवाइडर नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, मतलब पूरा खाली इन्होंने बनाया हुआ है इसको, ये देखिए पूरा, मतलब बहुत ही परफेक्ट है ये, बहुत ही मजा आई देख करके। ये 3 से 4 किलोमीटर की जो लेन है काफी बढ़िया है और भारत सरकार के द्वारा ये जो सराहनीय कार्य किया गया है योगी सरकार मोदी सरकार का, बहुत ही बढ़िया। ये स्टार्ट जो किया था ये अखिलेश सरकार ने किया था, बट इसको जो एट द एंड कम्प्लीट करवाया मोदी सरकार और योगी सरकार ने, ये देखिए पूरा व्यू। हमें लगा इधर भी अभी थोड़ा बहुत बनाएंगे, अभी बना नहीं है थोड़ा थोड़ा साइड में, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगा ये देख करके, काफी मजा आई घूम करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। भाई साहब अभी सीन हो गया, एक इनोवा गाड़ी आई सीधे लखनऊ से, वीआईपी थी, उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी थी, और उन्होंने पूछताछ किया उसमें सभी जो भी थे वो कोई बड़ी पोस्ट वाले थे, तो उन्होंने पूछा क्या करो, जो भी है उन्होंने बता दिया भाई शूट करें विजिट करें, उन्होंने कहा थोड़ा सावधानी से करो, थोड़ा साइड हो जाओ और फटाफट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आवाज सुना आप लोगों ने, ये है इस रोड की क्वालिटी, जो बना हुआ है सीमेंटेड वाला, इसमें आवाज बहुत होती है और ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है। जाइए यहाँ पर आकर के विजिट किया, देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सही है, और इसमें उतरने वाला है फाइटर जेट एयरफोर्स का, अगर इनकेस कभी इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ जाए तो ये भारत सरकार के द्वारा जो ये स्पेशल बनाया गया है पूरे बार सुल्तानपुर में, यहाँ पर अभी हम लोग स्थित हैं। तो ये देखिए एक बार अल भैया दिखाओ एक बार फिर से, तो ये है पूरा व्यू, यहाँ पे कोई आपको डिवाइडर नहीं है, कोई आपको क्या बोलते हैं उसको रंबल स्ट्रिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे हाईवे पर रंबल स्ट्रिप नहीं होता है, येलो पट्टी सीधी लाइन के लिए, मतलब कोई भी चीजें नहीं आते, एकदम बढ़िया से बनाया गया है सीमेंटेड वाला, जैसा आपको एयरपोर्ट वगैरह पे देखने को मिलता होगा, एयरपोर्ट का रनवे एकदम कह सकते हैं वही सेम बनाया है इसको, और काफी सही है, देखो गाड़ियां एकदम बढ़िया प्रॉपर चल रही है फुल स्पीड में। तो सामने अभी आपको हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस दिखाया वहां पर, और वहां से ये रोड जो है ये आई हुई है, ये देख सकते हैं, और ये है टोल प्लाजा बन रहा है जो कि सुल्तानपुर वाली जो रोड है वो देख सकते हैं उधर से, वहां से आप जब एंट्री करेंगे तो टोल आप लेकर के फिर सीधे आप यहां से जाएंगे और सीधे आपको मिलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप वहां से निकल जाइए, चाहे लखनऊ जाना हो या जहां पे भी जाना हो आप सीधे निकल सकते हैं, और चाहे उधर से ये देखिए अगर आपको इधर मुड़ना है तो आप इधर जा करके आजमगढ़ या फिर गाजीपुर साइड बलिया साइड जा सकते हैं, मऊ साइड जा सकते हैं, जिधर भी जाना हो आपको अम्बेडकर नगर, और बाकी इधर आपको निकलना है तो इधर आप लखनऊ या फिर जगदीशपुर जिधर भी आपको जाना उधर जा सकते हैं। तो ये है पूरा रोड का लिंकअप, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कि जर्नी हो चुकी है कंप्लीट, और आप लोगों को मैंने दिखा दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, काफी मजा आई आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने में और काफी बढ़िया लगा, और भाई जो एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट लेवल था, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना है, नीचे आप कमेंट कर बताइए आप लोगों की क्या राय है, जो भी सजेशन है नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार देख लीजिए हिमाचल एक्सप्रेस में, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे चैनल पे।